दोस्तों एसबीआई की तरफ से ग्रेट न्यूज आ रहा है हम सभी के लिए, यंग टैलेंट के लिए। एसबीआई जो है न्यू वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी वीआरए स्कीम लाने वाला है दोस्तों। इससे जो है न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा एसबीआई में। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, वीआरए स्कीम क्या है, कब से लागू हो जाएगा। आप सभी के लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। इसको ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी। इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको बता दे रहा हूँ। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। एसबीआई जो है न्यू वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम जो है लाने वाला है। इसका नाम इन्होंने दिया है सेकेंड इनिंग टैब वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम 2020 SITVRS 2020। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। जब ये लागू हो जाएगा तो स्कीम के लिए 11,565 ऑफिसर और 18,625 स्टाफ जो है एसबीआई के लिए जो है इसके लिए जो है वीआरएस स्कीम के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे। और ये जो प्लान जो है 3 मंथ के लिए जो है एवरी ईयर ओपन रहेगा, दिसंबर 1 से लेकर के जनवरी तक रहेगा। यानी एवरी ईयर जो है दिसंबर 1 से स्टार्ट होगा और ये जनवरी तक चलेगा। और इसमें ये जो है 3 मंथ के लिए जो है ये ओपन रहेगा। इसमें क्या होगा, जो भी ऑफिसर और जो स्टाफ जो है इसको जो है चूज करते हैं, ऑप्ट करते हैं, उनको जो है 50% ऑफ सैलरी फॉर द रेसिजुअल पीरियड ऑफ सर्विस। यानी रेसिजुअल क्या होता है दोस्तों, जो शेष जो सर्विस बचा हुआ है, यानी सपोज दैट कोई ऑफिसर और कोई स्टाफ जो है 6 ईयर का उनका जो है सर्विस बचा हुआ है और इसको जो है वीआरएस स्कीम के थ्रू जो है रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, तो इनको जो है 3 ईयर्स का जो है फुल आपको ये मिलेगा, पेमेंट मिलेगा यानी सैलरी मिलेगा अकॉर्डिंग टू बिजनेसेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल के अनुसार से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। यानी वीआरएस सिस्टम आप सबको पता है कि अभी जो है कोरोना की वजह से जो है बहुत सारे ऑफिसर बहुत सारे स्टाफ का जो है दूसरे सिटी में दूसरे स्टेट में जो है ये हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर जो कोरोना के बीच में जो है जाने से जो है प्रॉब्लम है, जो जिनके थोड़े से सर्विस बचे हुए 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, तो ये जो है वीआरएस स्कीम के थ्रू जो है ऑफिसर जो है ये कर सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं। और इससे जो है एसबीआई जो है चाहता है कि न्यू जो है टैलेंट जो है लाइन पढ़िएगा, न्यू टैलेंट जो है एवरेज जो एज जो है यंग एवरेज एज के जो टैलेंट है उसको जो है एसबीआई में लाने के लिए। इससे जो है एसबीआई को जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 2200 करोड़ जो है रुपये जो है सेव होगा। अगर 30% जो एलिजिबल इम्प्लाई जो है डिसाइड करते हैं कि इस स्कीम के थ्रू जाने के लिए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी एसबीआई के एग्जिस्टिंग इम्प्लाई की बात करें जो है ऑन रोल है 2.5 लाख जो एसबीआई के इम्प्लाई है जो अभी जो है मार्च 2020 तक जो है ऑन रोल है। आप इसको जो एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो इम्पोर्टेंट था मैं आप सभी को बता दिया दोस्तों। इससे जो है एसबीआई में जो है काफ़ी अच्छा जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। और हम लोग जो एसबीआई पीयू के लिए वैकेंसी के लिए जो वेट कर रहे हैं, यानी 11,000 समथिंग जो इम्प्लाई हैं ऑफिसर हैं तो रिटायर होंगे, तो एसबीआई में जो है डेफिनेटली जो है न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा। और इससे जो है स्टाफ क्लरिकल स्टाफ में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, तो आप सबके सामने जो है आने वाले टाइम में एसबीआई में जो है ग्रेट अपॉर्चुनिटी आने वाला है। अभी एसबीआई क्लर्क का जो वैकेंसी आया है उसके लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। और जो कैंडिडेट एसबीआई पीओ बनने का सपना देखते हैं, आप सभी के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रेट न्यूज है। आने वाले टाइम में जो है बहुत जल्दी जो है एसबीआई पीओ का भी जो है नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलेगा। और ये एसबीआई का जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिसीजन है। आप सभी लोग अपने चैनल पर जुड़े रहिए, इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो मैं आप सभी को प्रोवाइड करते रहूँगा। डिस्क्रिप्शन